गान फटी और थ्रिल एक साथ एक्सपीरियंस करा कभी? नहीं, मैं बताता हूँ, आपका मूड सेट है, आप यूट्यूब पे कुछ ढूंढ रहे हो, आपको आप ही मिल गए। मेट्रो में ट्रैवल करते हैं लोग? मेट्रो में है पैसा है? मेजेंटा लाइन से ट्रैवल करा है? मेजेंटा लाइन से? हाँ, क्यों क्यों? किस खाली आदमी ने खाली समय में लाइन खींची यार? कोई नहीं चढ़ता उसके ऊपर, कोई उतरता भी नहीं है। हौस खास पे उसका इंटरचेंज स्टेशन बनाया है वो पैंचो हौस खास से इतना दूर है, उसके लिए मेट्रो चलानी पड़ेगी उनको यार। इतना पैदल कौन चलाता है यार, जत्थे का जत्था चल रहा है पूरा। आपकी हेल्प करने के लिए वहां पे सहायता केंद्र बनाया उन्होंने, उस पर अनाउंसमेंट हो रही है, जय माता दी, जय शंकर नाम का लड़का खो गया। मैं कहा बेंचो अर्थक्वारी आ गया है क्या? इतने पैदल कौन चला? और आप मानोगे नहीं, आपका टाइम पास करने के लिए ना उन्होंने मेजेंटा कलर के स्टेप्स बनाए हुए हैं, लेकिन वो स्टेप्स इंसानों के लिए नहीं है। एक पैर ऐसे, दूसरा ऐसे, तीसरा मैं चल के गया बेंचो तो विकलांग खड़े हो गए अपनी सीट से। लकड़ी लेके उठा, कह रहा भैया आप ही बैठो इसमें। तो और आप मानोगे नहीं, जिस दिन लाइन लॉन्च हुई है ना, न्यूज़पेपर में बड़ा बड़ा आया था, नाउ येलो लाइन इज क्लोजर टू ओखला। मैं कहा पहचो स्टेशन ही ओखला में बनाया है। और मेरी एक और बात ध्यान रखना, इंटरचेंज स्टेशन ना मेरे हिसाब से धोखा है, इतनी भीड़ उतरती है आदमी प्रेशर में उतर जाता है, पहचो खत्म तो नहीं हो गई। इसलिए आप देखना हर मेट्रो स्टेशन में ना दो तीन चूते होते हैं, मेट्रो आती जाती रहती, वो नहीं चढ़ते। आप उनसे जाके कभी बात करो, मैंने पूछा, मैं क्या हुआ, कह रहा पता नहीं। मैं कहा जाना, कह रहा चार दिन हो गए एग्जिट में जाने, तो यही खड़ा हो। उसको हौस खास उतरना, मैंने बोटैनिकल उतारा साले को, मैं ट्रैवल कर ले। और इंटरचेंज स्टेशन की मैं बात बता रहा था ना, एक इन्होंने इंटरचेंज स्टेशन कालका जी भी बनाया, पता कितना नीचे हो, एक एस्केलेटर और लगाना उसके बाद श्रीलंका आता है वहां पे। और ये मेजेंटा लाइन जो है ना, मेजेंटा लाइन ये ना धीरे धीरे यूपी की तरफ जा रही है, तो इसकी सराउंडिंग में भी किडनैपिंग के इंस्टिंक्ट्स आ रहे हैं। गेट खुलता है, कोई नहीं चढ़ता, कोई उतरता भी नहीं है सिवाय हवा के, गर्म हवा आती है और ठंडी हवा को लेके चली जाती है। मैंने कहा पेंचो हवा किडनैप कर ली उन्होंने। और मेरी बात ना नोट कर लो, अभी यहीं पे अंग्रेजों के जमाने में वो ट्रेन काकोरी में लूटी गई थी, ये बेंचो ओखला में लूटी जाएगी किसी। इतनी सुनसान लाइन क्यों खींचनी है? और रिच पीपल इन द ऑडियंस गिव मी अ चीयर। दो ही अमीर आए हैं बस, कैसे होगा विकास? पुअर पीपल इन द ऑडियंस गिव मी अ चीयर। चैरिटी के लिए तो नहीं हो रहा था ये शो, गरीब रिलेट करेंगे, तुम दो छोड़ देना है। गरीब डीटीसी में ट्रैवल करें, डीटीसी में है? हाँ यस, ये यस सिर्फ पास वाले का आ सकता है, पीछे भी हैं कुछ पास वाले, कोई बात नहीं। मैं आपको ना डीटीसी का बताता हूँ, कुछ दिन पहले मेरा दोस्त और उसकी बंदी डीटीसी में कटल कर रहे थे। नहीं होता ना सबके पास घर, तो कर रहे थे, तो किसी ने ना वीडियो शूट करके यूट्यूब पे डाल दी। गान फटी और थ्रिल एक साथ एक्सपीरियंस करा कभी? नहीं, मैं बताता हूँ, आपका मूड सेट है, आप यूट्यूब पे कुछ ढूंढ रहे हो, आपको आप ही मिल गए। तो लाइक अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, उसने पहले एंजॉय करा,
उसको बाद में ख्याल आया पैंचो रिपोर्ट भी तो करना होता है सर। तो ना उसने लिंक उठा के दोस्तों को भेजा, कह रहा यार ये रिपोर्ट करो ये रिपोर्ट करो, और धीरे धीरे शेयर लगते चले गए, पैंचो मिलियन व्यूज हो गए वीडियो के ऊपर। यूट्यूब हराम ज्यादा ऐड दिखा रहे उस वीडियो के ऊपर। कोई चिरान नीचे कमेंट कर गया, भाई पार्ट टू कब आएगा। आप क्या करते हैं? यू डन योर पोस्ट ग्रेजुएशन? अभी से 15 मिनट पहले रिजल्ट आया है। कहां से? फ्रॉम हॉस्कास। भैंस मेट्रो स्टेशन पे हो आजकल ये सर।